जुलाई के महीने में वो कार्य पूरा नहीं हो पाया तो यूनिट लेवल पर कुछ लोगों ने अपने अपने यूनिट में काम शुरू किया। फिर अभी एक तीन चार दिन पहले हम लोगों ने एक पत्र भी दिया है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि न तो वित्त मंत्री अभी परमानेंट है और न ही आईए के चेयरमैन परमानेंट है, इसीलिए निर्णय लेने की क्षमता भी किसी में नहीं है और कहे कि हाँ भाई इसमें कुछ करना चाहिए तो वह भी देख समझ करके, इसलिए इस बीच में निर्णय लेने का कार्यक्रम रखा गया। और अभी 3-4 जुलाई को मैं भी 2 दिन पार्लियामेंट में रहा के नॉर्थ ब्लॉक में रहा के आया किसी से भेंट रहे, तो जबकि नॉर्थ ब्लॉक में हम लोगों को खास करके हमें यह है कि ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, सिर्फ चेकिंग होता है उसके बाद बाकी कहीं जाके बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है सो परेशानी हुई और 2 दिन तक नॉर्थ ब्लॉक में 3 दिन भर बैठे रहे किसी मिनिस्टर से भेंट रहे, इसलिए प्रयास जारी है और हमें ड्यूटी मिला था कि यूएवीयू के सारे नेताओं का फाइनेंस मिनिस्टर से एक अपॉइंटमेंट दिलवा दिया जाए, मैं लेटर लेके भी गया था लेकिन दुर्भाग्य से वो बन नहीं पाया, इसलिए सारे लोग उसके बाद वेंकट केलम जी 2 दिन बाद गए हैं, फिर और भी नेता लोग गए हैं, तो इंडिविजुअली ये प्रयास जारी है सर। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि एक दिन भी हम लोग इससे वंचित नहीं है कि कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी ये काम संपन्न हो। बहुत सारे लोगों की तरफ से चर्चाएं भी सुनने को मिलता है कि सैलरी ज्यादा हो जाएगा जितना टाइम लगेगा उतना, लेकिन जब जब 2.5 साल 3 साल हमको इंतजार किया, 1 साल भी नहीं बीता, सरकार के मध्य इलेक्शन का बोझ भी है और ऊपर से एम्प्लॉई का रोष भी है, ये दोनों को उसको निश्चित रूप से दबाना होगा, नहीं तो अगली सरकार बन पाएगी या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम लोग कोई राजनीति लोग नहीं है, न किसी राजनीति से वास्ता रखते हैं, मजदूर के नेता है, मजदूर के लिए काम करते और मजदूर के हित में जो होगा वही होगा चाहे सरकार किसी की हो। तो इसके लिए आपको आश्वस्त करते हैं कि चाहे पीछे जितनी भी बातें हुई हो, 14 नवंबर को हुई, फिर फरवरी में वार्ता हुई, फिर मार्च में हो हम लोगों ने धरना किया जंतर मंतर पे और वहां पर डीएफएस में मिले, फिर अप्रैल में वार्ता हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, फिर मई में हुई 2-3 बार बैठ के और उसके बाद हड़ताल तय हुआ, तो लगातार बैठ के चल रही है और रणनीति तय हो रही है, लेकिन ये सरकार का दायित्व भी बनता है, आईपीए का भी दायित्व बनता है कि वो इन कामों को आगे बढ़ाए, निश्चित रूप से उनका ऑफर हर वाली 7% तक का आ चुका है, लेकिन कुछ बैंकों ने 12% का प्रोविजन भी कर दिया है, लेकिन हम लोगों का विश्वास है और हम लोगों ने जो अपना स्ट्रेटेजी बनाया है कि पिछले के 15% से कम पर अभी गुंजाइश नहीं बनती है, जितना ज्यादा हो जाए वो हमारे हित में होगा, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप जल्दी करेंगे तो हो सकता है पिछले साल भी 13.5 करोड़ कुछ घटक को लोग तैयार कर लिए थे साइन करने के लिए, 5 में 9 बजे के बाद 3 घंटे तक चली थी वार्ता और कुछ घटक जो है सो नहीं कह साइन कर दे तो फिर जो है सो 15 का ऑफर मिला था और इसके चलते हुआ था, बाद में सरकार के कुछ लोगों ने करना चाहिए कि हमको 20 का ऑफर दिए या ये वो उसको 18% करा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा बात की बातें हैं, इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, जो वास्तविकता है वही वास्तविकता है, जो हमारे हाथ में आता है वही हमारा है, बाकी किसी का नहीं है, इसीलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम बुद्धिजीवी हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम बातों को समझते हैं और व्यवस्था को भी समझते हैं, हमारी अपनी कुछ समस्याएं हैं, हम निश्चित रूप से कुछ हमारी कमियां हैं जो हमारे अंदर ही है, चाहे वो आलस का हो चाहे सिर्फ उपस्थिति दर्ज करा के चले जाने का हो, लेकिन वही लोग चले जाते हैं जो मिनटों में खबर सोचते हैं कि कैसे मुंबई में वार्ता हो खत्म हो और आ जाए, हम लोग वार्ता करके उठते हैं, लंच भी नहीं करते और व्हाट्सएप पर अपना मैसेज पहले देते हैं उसके बाद खाना खाने जाते हैं, जबकि एमपी लोग रहते हैं वो लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि साथ में आके खाना खाए, कुछ बातचीत भी करते रहते हैं, तो ऐसे ऐसी चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन हम लोग पहले अपना इन्फॉर्मेशन बनाते हैं और उसके दायरे में रह करके वो काम करते हैं और फिर अपना इन्फॉर्मेशन लोगों को देके उसके बाद ही अब कोई काम करते हैं। निश्चित रूप से 2% का जो ऑफर था और उसमें जो ह्यूमिलिएशन हम लोगों ने आईबीए के साथ किया, कोई इतिहास गवाह है कि 40 आदमी का खाना बना हुआ और सामने में कन्वेनर से लेकर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सारे एमडी खड़े थे और हम लोग लिफ्ट से नीचे उतर गए थे, वो 2% का दिन जब आपके आपकी स्थिति कैसी रही होगी और हमारी स्थिति कैसी रही होगी समझने वाली बात है और हम लोग नीचे उतर गए थे और कितनी बेइज्जती उन लोगों को हुई कि जब 28 मई को जब भेंट हुई
सीएमसी के पास तो वो लोग नजर नहीं मिला रहे थे हम लोगों से, ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने कर दी। इसीलिए इतना समझने बुझने की जरूरत है, कुछ चीजें कमी है, कुछ बहुत सारे लोगों ने ऐसी चर्चाएं की है कि भाई आगे क्या होगा। तो अगस्त और सितंबर का महीना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इसमें हम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। जो आपकी इच्छा है छुट्टी से लिंग स्ट्राइक, दो दिन से आगे का स्ट्राइक, एक दिन का स्ट्राइक, इंडेफिनिट स्ट्राइक, ये सारे मुद्दे आने वाले हैं। इसीलिए चिंता नहीं कीजिएगा, आपके कंसेंट को, आपकी इच्छाओं का निश्चित रूप से वो आगे बढ़कर के होगा, लेकिन हर चीज में तुरंत तुरंत जो आप निर्णय चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। हम लोग घर परिवार को देखते हैं, घर में गार्जियन को 10 बार बोलते हैं तो एक बार उनका डिसीजन मिलता है। इसीलिए ये परिवार है और इस परिवार में 10 लाख तो इम्प्लॉय जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा 5 लाख, 5-5 का अगर जोड़िए तो 50 लाख परिवार के सदस्य है, सबका भविष्य जुड़ा हुआ। अगर आप 50 केस करवा दें और 50 आदमी जेल में चला जाए, 25 आदमी वो कभी नहीं चाहेंगे। हमारा नेतृत्व तो कभी ऐसा नहीं होने दिया है और ना होने देगा। इससे कभी पूरा के किसी भी निर्णय में नहीं पड़िएगा, नहीं तो केरल में बैठा हुआ कोई भाई आपका जेल में चला जाएगा, उसको जमानतदार नहीं मिलेगा। इसलिए सारी चीजों को देख करके निर्णय लिया जाता है और हम लोग सभी समझदार है, कभी भी कोई ऐसी हिंसात्मक गतिविधि नहीं अपनाते, अपना जो भी काम हो शांतिपूर्वक हिंसात्मक तरीके से करते हो। और बैंक का यह हिंसात्मक तरीका भी हमने इस मुजफ्फरपुर शहर में 3 दिन के कर्फ्यू में गोलू हत्याकांड में भी देख चुके हैं कि हमारी चट्टानी एकता किस तरह की थी और पूरा शहर दहल गया था और हमारी एकता को देख करके नतमस्तक था पूरा जनता। इसीलिए ये सब चीज जो है वो छोटे शहरों से ही स्टार्ट होता है और बड़े शहर में उसकी हवा जाती है और वहां पर भी लोग उसमें आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अभी हमारे रिटायर्स के इशू है, एक सर्विस मैन के पिगमेंट के इशूज है, हमारे इशूज लेडीज के पोस्टिंग का है, ये भी एक महत्वपूर्ण इशू है। 24% से अधिक लेडीज हो गए, लड़कियां है, नई नई शादी हुई है और उनकी पोस्टिंग उनके जगह पर नहीं मिल रहा है। हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो बोला वाइफ को अप्लाई करवा, वाइफ अप्लाई कर रही तो बोला हस्बैंड को बोलो वो आ जाएगा। कोई मैनेजमेंट सही ढंग से मदद करने की अपने तरफ से प्रयास नहीं कर रहा। सरकार ने नीतियां जरूर बना दी है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा। इस पर भी चर्चाएं चलती है और इस पर भी कुछ निर्णय आएगा। उसके साथ ही साथ रिक्रूटमेंट का भी है, जहाँ 4 आदमी की जरूरत है वहाँ 2 आदमी में काम चल रहा है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे से पहले फुर्सत नहीं मिल रही है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं 12-15 साल से डेली वेज के रूप में काम कर रहे हैं, उन पर जब हम लोग कहते हैं तो सरकार के पास इशू है और आउटसोर्स करा कर 40-50 रुपया 200 रुपया 150 रुपया देके लोग कटवा रहे हैं, उससे झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं, 7 बजे से उससे काम ले रहा है, बैंक बंदवा करवा के उसको भेज रहे हैं, मजदूर की जिंदगी जीने को विवश है ऐसा लगता। और ऐसे लोगों को भी जिल्लत की जिंदगी से ऊपर उठाने की जरूरत है। और दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए पुण्य का कार्य होगा जब किसी बैंक में इन लोगों को भी हम ऊपर लाएंगे, उस बच्चे को लाएंगे जो परिवार का सहारा है, उसको मिनिमम वेज हम नहीं दे पाते हैं, 150-200 रुपया मिलता है, हर बैंक की स्थिति है। और हम लोग एमपी से गुहार लगाते हैं, कल जोड़ते हैं कि आप उन बच्चों को देखिए, उनको नौकरी दीजिए, डायरेक्टर्स आईएमएम के बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी लाइन में, जैसा कि आप कई प्रकार की चर्चा है, सामने भी किया कि डिप्टी सेक्रेटरी ने ऐसा बोला बैंकर्स के विषय में, लेकिन बैंकर क्या करता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार की जिल्लत की जिंदगी से अपने आप को उभारने की कोशिश करता है, रोज संघर्ष करता है और उसके बाद भी उसको इस तरह का अगर सही ढंग का वेज डिविजन नहीं मिलेगा तो कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि कहीं से भी आपको इस जिंदगी से छुटकारा दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और रही बात सारे समस्याओं का सारा निदान एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है और लंबे समय तक चलता है। इसीलिए उम्मीद करते हैं आप इस संघर्ष में हमारे महारा बनेंगे, हमारे सहारा बनेंगे और अपने को वही एकता का परिचय देंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग अपने शहर से ही उस बिगुल को फूकेंगे और आगे का ये सारा जो है जितना भी समस्या है उसका निदान निकालेंगे। और लेट निगोशिएशन भी जल्द ही समाप्त होगा, 2 से 3 बैठक चाहिए, सरकार एक तरफ यस बोले, IBA 2 से 3 बैठक में खत्म कर देगी, सारे मुद्दे हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कुछ चीजें बनी हुई है। इसीलिए
आप निश्चिंत रहिए और हम लोग कभी भी इस पर घटना नहीं लगने देंगे, जैसे आप हैं वैसे हम हैं और उसी तरह से काम करेंगे जैसे परिवार में सभी मिलजुल करके करते हैं। निश्चित रूप से आपका सहयोग मिलेगा और हरिवंश राय जी की दो पंक्ति है कि लहरों से डर कर मौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद कि आपने कहा कि पिछले वर्ष का टैक्स रिफंड नहीं।